अस्सलाम वालेकुम माय रिस्पेक्टेड ऑडियंस, मेरा नाम अल्तुमिस सईद है। मैं एक स्टूडेंट हूँ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का और मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि इस टाइम पे पाकिस्तान उस ऐसे कटखड़े पे खड़ा है कि जहाँ पे देर कैन बी सिवियर लॉसेस, मिलियंस में लोग मर सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से। उसके साथ साथ हमें ये भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि कुछ एरियाज जैसे बलूचिस्तान और सिंध के हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती, और उसके साथ साथ लॉकडाउन हो गया है जो कि ज़रूरी है क्योंकि हमने कोरोना वायरस को के स्प्रेड को रोकना है। पर उसके साथ साथ हमें ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो छोटे एरियाज़ हैं जैसे नसीराबाद, जाफराबाद, गोटकी, बदीन, सजावल, मुबारक विलेज कराची में, इन सब के पास अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो ये लोग पैसे कैसे कमाएंगे? अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे, जॉब्स नहीं होंगी, तो ये अपने घर के लिए ज़रूरी अशिया कैसे लेंगे, खाने की चीज़ें कैसे लेंगे? हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये बात मैंने रियलाइज़ की है कि वेयर एट दैट पॉइंट पाकिस्तान हिस्ट्री कि अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो हमने बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने हैं और बहुत जल्दी लेने हैं। इस मुहिम को चलाने के लिए मैंने एज ए स्टूडेंट अपनी टीम के साथ मिलके नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के लिए हमने राशन इकट्ठा किया। उसके लिए हमने डोनेशंस इकट्ठी की जो कि अराउंड 1.5 लाख हैं, जिसके थ्रू हमने 50 फैमिलीज जो कि हमने आइडेंटिफाई कर ली थी नसीराबाद में, जो कि बिल्कुल भी अपना खाना नहीं खरीद सकती थी, देवर बेसिकली एट द पॉइंट ऑफ डेथ, हमने उनको कोशिश की मैंने कि हम उनका सहारा बने, तो उनको पैसों के थ्रू हमने राशन अरेंज किया। एज वी स्पीक उनको ये राशन मिल रहा है, पर लेकिन 50 फैमिलीज की हेल्प करना इज़ नॉट माई मिशन। माई मिशन इज़ फर्स्टली कि आप सबको मैं रियलाइज कराऊँ कि दैट वी ऑल हैव अ पार्ट टू प्ले, और दूसरे मैं 50 की जगह एटलीस्ट 10,000 फैमिलीज़ को खाना प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैं बहुत ऑथेंटिकली काम कर रहा हूँ और मेरी टीम डिवाइडेड है बलूचिस्तान और सिंध में, एंड वी बेसिकली आर अपीलिंग टू यू फॉर डोनेशंस। नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में डोनेशन राशन ड्राइव करने के बाद अब हम अपनी अगली ड्राइव कर रहे हैं बदीन में। बदीन इज़ अ गाँव इन बलूचिस्तान जो कि बिल्कुल डिसकनेक्टेड है फ्रॉम द सिटी लाइफ, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे हम बल्कि इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ के लोगों के पास अभी खाने को कुछ है या नहीं। हमें बात रियलाइज़ करनी है और हमने उनकी हेल्प करनी है, तो इसके साथ साथ हम बदीन में, गोटकी में, जाफराबाद में अपनी ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। तो मेरी ये हम्बल अपील है अपनी रिस्पेक्टेड ऑडियंस से कि प्लीज़ आप भी मेरा मैसेज शेयर करें और बाकी लोगों को आगाह करें कि मेरी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्लीज़ डोनेट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें एटलीस्ट डोनेट करें ताकि हम इन लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।